पंजाब अते चंडीगढ़ दे विच मौसम ने मिजाज बदलिया ते अचानक ही तपिश वाली गर्मी दे विच बदल छा गए ते तेज हवावां दे नाल बरसात होने लगी, जिसने आम लोगों नूं तपती हुई गर्मी तो काफ़ी राहत दिती है। ते इस दौरान दीआं तस्वीरां भी सामने आई ने। तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकदा है कि बरसात हो रही है ते नाल ही तेज़ हवावां भी चल रही ने। दस दिए कि इस तों पहला मौसम विभाग के वलों यह कहा गया सी कि चंडीगढ़ अते पंजाब दे विच आउण वाले 48 घंटे दे विच मीह पवेगा, गरज नाल बदल चमकणगे अते इस नाल ही तेज़ हवावां भी चलनगियां। सो अज मौसम ने एकदम मिजाज बदलिया। हालांकि देर रात जेकर गल की जाए तो कई थावां ते तेज़ बदल गरजे अते बिजली भी चमकी। हालांकि हल्की तो दरमियानी बरसात कई थावां ते हुई। अते जे अज की गल की जाए तो अज एकदम दोपहर नूं मौसम ने मिजाज बदलिया। सवेरे तपदी गर्मी नाल लोग बेहाल सी अते मौसम के बदलन का इंतजार कर रहे सी। ते दोपहर नूं अचानक ही मौसम ने करवट लई अते कालियां घटावां आसमान दे विच छा गईआं, तेज़ हवावां चलन लगियां अते बरसात भी होण लग पई। हालांकि इस बरसात दे नाल जिथे आम लोगों नूं तपदी गर्मी तो राहत मिली है, पर उत्थे ही यह बरसात किसानों के लिए आफत बन रही है, क्योंकि मंडियों दे विच कणक पई हुई है खुले आसमान दे हेठ अते बार बार जो है मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। कई थावां ते तेज़ बरसात हो रही है, कई थावां ते गड़ेमारी दीआं गल्लां सामने आ रहीआं ने, पर उधर ही ये जो मौसम है किसानों लिए आफत बन रहा है, क्योंकि मंडियां दे विच कणक खुले आसमान हेठ पई है ते कणक खराब हो रही है बरसात के कारण। हालांकि कई थावां ते ढुकवे प्रबंध भी किए गए हैं, पर कई मंडियों के जिथे प्रबंध नहीं हैं उत्थे किसानों के लिए ये बरसात आफत बन सकती है। इस तों पहलां कई वीडियोज़ अते कई तस्वीरां भी अजिहियां सामने आईआं जिथे मंडी दे विच खुले आसमान हेठ कणक पई होई सी अते उस तों बाद गड़ेमारी होई, बरसात होई, जिसके कारण फसलां दा वड्डे पद्धर ते नुकसान होया सी। ते हुण अज फिर एकदम पंजाब अते चंडीगढ़ दे विच मौसम ने अपना मिजाज बदलिया। ते तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकदा है कि बरसात हो रही है, तेज़ हवावां चल रहे ने। मौसम विभाग दे वल्लों इह संभावना जताई गई सी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल तेज़ हवावां चलनगियां, लोगों को गर्मी तो राहत तो मिलेगी, क्योंकि जो तापमान है जे अप्रैल महीने की गल की जाए तो 40 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुँच चुके हैं। इस दौरान गर्मी तो लोगों को राहत मिली है, पर मंडियों के जो किसानों की फसल पई हुई है किसानों के लिए ये मौसम आफत बनया हुआ है। पंजाब अते चंडीगढ़ के मौसम ने मिजाज बदलिया ते अचानक ही तपिश वाली गर्मी दे विच बदल छा गए ते तेज़ हवावां दे नाल बरसात होने लगी, जिसने आम लोगों नूं तपती हुई गर्मी तो काफ़ी राहत दिती है। ते इस दौरान दीआं तस्वीरां भी सामने आई ने। तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकदा है कि बरसात हो रही है ते नाल ही तेज़ हवावां भी चल रही ने। दस दिए कि इस तों पहला मौसम विभाग के वलों यह कहा गया सी कि चंडीगढ़ अते पंजाब दे विच आउण वाले 48 घंटे दे विच मीह पवेगा, गरज नाल बदल चमकणगे अते इस नाल ही तेज़ हवावां भी चलनगियां। सो अज मौसम ने एकदम मिजाज बदलिया। हालांकि देर रात जेकर गल की जाए तो कई थावां ते तेज़ बदल गरजे अते बिजली भी चमकी। हालांकि हल्की तो दरमियानी बरसात कई थावां ते हुई। अते जे अज की गल की जाए तो अज एकदम दोपहर नूं मौसम ने मिजाज बदलिया। सवेरे तपदी गर्मी नाल लोग बेहाल सी अते मौसम के बदलन का इंतजार कर रहे सी। ते दोपहर नूं अचानक ही मौसम ने करवट लई अते कालियां घटावां आसमान दे विच छा गईआं, तेज़ हवावां चलन लगियां अते बरसात भी होण लग पई। हालांकि इस बरसात दे नाल जिथे आम लोगों नूं तपदी गर्मी तो राहत मिली है, पर उत्थे ही ये बरसात किसानों के लिए आफत बन रही है, क्योंकि मंडियों दे विच कणक पई हुई है खुले आसमान दे हेठ अते बार बार जो है मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। कई थावां ते तेज़ बरसात हो रही है, कई थावां ते गड़ेमारी दीआं गल्लां सामने आ रहीआं ने, पर उधर ही ये जो मौसम है किसानों लिए आफत बन रहा है, क्योंकि मंडियों दे विच कणक खुले आसमान हेठ पई है ते कणक खराब हो रही है बरसात के कारण। हालांकि कई थावां ते ढुकवे प्रबंध भी किए गए हैं, पर कई मंडियों दे विच जिथे प्रबंध नहीं हैं उत्थे किसानों के लिए ये बरसात आफत बन सकती है। इस तों पहलां कई वीडियोज़ अते कई तस्वीरां भी अजिहियां सामने आई जिथे मंडी दे विच खुले आसमान हेठ कणक पई हुई सी अते उस तों बाद गड़ेमारी होई, बरसात होई, जिसके कारण फसलों का वड्डे पद्धर ते नुकसान होया सी। ते हुण अज फिर एकदम पंजाब अते चंडीगढ़ दे विच मौसम ने अपना मिजाज बदलिया। ते तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकदा है कि बरसात हो रही है, तेज़ हवावां चल रहे ने। मौसम विभाग के वलों इह संभावना जताई गई सी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल तेज़ हवावां चलनगियां,
लोगों को गर्मी तो राहत तो मिलेगी क्योंकि जो तापमान है जे अप्रैल महीने की गल की जाए तो 40 डिग्री तक जो तापमान है वह पहुँच चुके हैं। इस दौरान गर्मी तो लोगों को राहत मिली है पर मंडियों के जो किसानों की फसल पई हुई है किसानों के लिए यह मौसम आफत बनया हुआ है।